वहीं प्रत्येक वर्षानुसार इस वर्ष भी 16 नवंबर से 18 नवंबर तक मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक इंफ्रा एक्सपो का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने भाग लिया और यातायात से संबंधित लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी। इस एक्सपो में छत्तीसगढ़ पुलिस से एडीजी प्रदीप गुप्ता, दुर्ग ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर तथा रायपुर ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह सम्मिलित हुए। इस एक्सपो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सिग्नल, रेड और स्पीड कैमरास और भी यातायात के लिए जितने भी नए प्रकार के इक्विपमेंट्स मार्केट में हैं, उन सब का प्रदर्शन किया गया और अधिकतर चीजों को डेमो भी दिखाया गया। ट्रैफिक इंफ्रा एक्सपो में भाग लेकर लौटे ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने आयोजन के बारे में जानकारी दी। मुंबई में 10वां ट्रैफिक एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 दिवस तक जो ट्रैफिक एक्सपो लगा हुआ था, जिसमें एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रैफिक एक्सपो था, जिसमें 200 से अधिक कंपनियां, मल्टी लेवल कंपनियां वो आई हुई थी और ट्रैफिक को किस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्मूथ चलाया जाए उसके लिए अलग अलग प्रकार के आजकल कैमरे आ गए हैं। ANPR हो गया, PTZ हो गया, RLVD कैमरे, इन कैमरे के माध्यम से हम लोगों को किस प्रकार जागरूक करें और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उसको किस प्रकार चालानी कार्रवाई करें। इसके अलावा जो कंजेशन होता है उसको किस प्रकार टेक्निकली हम उसको इंजीनियरिंग सुधार करके उसको दूर कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल सर्वे के लिए भी आ गया है। यदि कोई रोड खराब है या फिर उसमें कोई सुधार किया सकता है तो उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया, यदि आप उसमें गाड़ियों में कैमरा लगाएंगे और उस रूट में क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कुछ में क्या सुधार किया सकता है वो पूरा सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करके हमको बता देगा। इसके अलावा नए नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं ट्रैफिक में, चाहे वो ब्रेथ एनालाइजर हो, चाहे स्पीड रडार हो, चाहे इंटरसेप्टर व्हीकल हो, वो पूरी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। उन टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर मिला तो किस प्रकार हम आने वाले समय में, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे दुर्ग में हो, चाहे रायपुर में हो, उन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को किस प्रकार जानकारी दे सकें ताकि जो दुर्घटनाएँ लगातार होती है उसको हम कम कर सकें, लोग अवेयर हो और स्मार्ट सिटी स्मार्ट ट्रैफिक जो हमारा मूल उद्देश्य है उसमें हम लोग सफल हो सके, इसके लिए इस एक्सपो में हम लोग शामिल हुए और आने वाले समय में इन जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके हम ट्रैफिक को स्मूथ बनाने का प्रयास करेंगे।